में दो जगहों से चांदी तस्करी के मामले सामने आए। पहला मामला महासमुंद का, जहां 22 लाख की चांदी पकड़ी गई, वहीं दूसरे मामले में रायगढ़ से 11 किलो चांदी बरामद हुई है। रिपोर्ट देखिए। महासमुंद के सिंघौड़ा पुलिस ने रेहटी खोल अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर एक लग्जरी कार से सोने की ज्वेलरी और चार चांदी की सिल्ली बरामद की है। बरामद चांदी की कीमत करीब 22 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं चांदी की सिल्ली और सोने के गहने ओडिशा से तस्करी कर रायपुर लाए जा रहे थे। सिंघोड़ा पुलिस और साइबर सेल की टीम ने महीने भर के अंदर तीसरी बार भारी मात्रा में सोना और चांदी पकड़ा है। वहीं रायगढ़ की सिटी कोतवाली पुलिस ने ओडिशा के एक ऑल्टो कार से बिना बिल के 11 किलो चांदी के आभूषण जब्त किए। जब्त चांदी की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से एक व्यक्ति कार से बिना पक्के बिल के चांदी के आभूषण अवैध तरीके से खपाने रायगढ़ लेकर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार से चांदी के गहने बरामद किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।